नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं रजत देवगन। गजब कर दिया मार्केट ने, निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई लेवल हासिल कर लिया। जी हां, किसी को उम्मीद नहीं थी, बाजार ने चौंका दिया, ऐतिहासिक स्तरों पर पहुंच गया है निफ्टी। हुआ ये कि अंतर्राष्ट्रीय संकेत मिले जुले थे, अमेरिकन मार्केट्स की कमजोर क्लोजिंग थी, उसके बावजूद आज भारतीय बाजारों की सरपट चाल देखने को मिली है। एशियन मार्केट्स मिक्स थे, लेकिन गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि आज 40-50 पॉइंट्स के आसपास तेज खुल सकते हैं, लेकिन मार्केट का मूड कुछ और ही था। देखिए, शुरुआत हुई थी 22,103 के लेवल पे, उसके बाद थोड़ा उठा पटक क्योंकि आज हफ्ते की ओपनिंग थी, तो उसके बाद उठा पटक देखने को मिली। दिन का लो लगाया है 22,021, लेकिन फिर 950 के आसपास निचले स्तरों से बहुत ही तगड़ी खरीदारी देखने को मिली है और दिन का हाई लगा है 22,186.65। एक लेवल कभी भी नहीं देखा निफ्टी पे, ये रिकॉर्ड हाई लेवल है। निफ्टी ने 22,126 जो उसका पिछला रिकॉर्ड हाई लेवल था उसको क्रॉस कर दिया आज, और आज के दिन का हाई लेवल है 22,186.65। क्लोजिंग भी जो आई है वो आई है 22,122 के लेवल पे, ये ऐतिहासिक क्लोजिंग है। कभी भी ये लेवल्स क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी ने नहीं हासिल किए। 81 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज आपको बड़ा हुआ दिखाई देगा निफ्टी आज। निफ्टी बैंक 150 अंक चढ़ गया, 46,535 के लेवल पे बंद हुआ। सेंसेक्स 281 अंकों की बढ़त के साथ 72,708 के लेवल पे बंद हुआ। आज जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं उसमें सबसे ऊपर आया आईसीआईसीआई बैंक, लगभग 32 अंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन इसकी तरफ से तेजी में। रिलायंस इंडस्ट्रीज 20 अंकों का सपोर्ट कर रहा था। भारतीय एयरटेल में लोअर एंड से खरीदारी बनी। इसके अलावा आईटीसी भी पलट गया निचले स्तरों से। बजाज फाइनेंस में भी तेजी देखने को मिली, बजाज फिनसर्व में भी तेजी थी। गिरावट वाले स्टॉक्स में एलएनटी है जिसमें लगभग 14 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन था इसकी तरफ से। इसके अलावा कोल इंडिया, आज बहुत ज्यादा गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली है क्योंकि FY24 का आउटपुट टारगेट जो वो मिस कर जाएगी कंपनी, ऐसा लग रहा है। इसके अलावा टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक पे दबाव था। एडवांसेस थे आज निफ्टी के 27, गिरने वाले थे 23, उसके बावजूद बजार पे बहुत तगड़ी पकड़ आज बनाई ग्रासिम ने। 3% ऊपर रहा निफ्टी का, टॉप गेनर ग्रासिम था। इसके अलावा बजाज ट्विंस जो कि बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस दोनों ही कंपनियों के स्टॉक्स तेज थे, लेकिन ज्यादा तेज चला था बजाज फिनसर्व, 3% ऊपर। बजाज ऑटो 2% ऊपर आज। इसके अलावा सिप्ला 2% चढ़ गया। भारतीय एयरटेल में 2% की तेजी देखने को मिली। निफ्टी लूजर्स में कोल इंडिया आज इसमें 4% से ज्यादा का क्रैक पड़ा है। इसके अलावा एलएनटी 1.25% नीचे आ गया। एसबीआई लाइफ, विप्रो, एचडीएफसी लाइफ में भी आज के सत्र पे दबाव देखने को मिला। एफएनओ गेनर्स में डिक्सन, आज कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर्स जो है वो बहुत एक्टिव थे, डिक्सन उसमें सबसे तेज चल रहा था, 6% की तेजी। इसके अलावा डेल्टा कॉप 4% चढ़ गया। एमसीएक्स 3.5% ऊपर था। बलरामपुर चीनी 3.25% चढ़ा है और जीएमआर एयरपोर्ट 3% चढ़ा। एफएनओ लूजर्स में कोल इंडिया दिखाई देगा, खैर निफ्टी का ही टॉप लूजर है ये। इसके अलावा एचडीएफसी, एएमसी, जील, कैनरा बैंक और ल्यूपिन 2% से 3.5% के आसपास नीचे आ गए। मिड कैप गेनर्स की सूची तो बहुत लंबी हो गई, बाजार इंडेक्स ही तेज है, तो उसके बाद फिर मिड कैप स्टॉक्स की तो बहुत जबरदस्त तेजी एक्सपेक्टेड थी। और आज के सत्र में जो तेज हुआ उसमें रिफाइनिंग कंपनियां थी, ऑयल रिफाइनिंग कंपनियां जैसे कि MRPL, ये स्टॉक 19% ऊपर था। इसके अलावा जो ईवी सेगमेंट से जो बिलोंग करती है कंपनी JBM ऑटो, उस स्टॉक में 18% की तेजी देखने को मिली। पैसा लो लगभग 3.5% ऊपर था। राजेश एक्सपोर्ट 13.5% ऊपर। वोकहार्ट बहुत स्ट्रांग है ये स्टॉक, अभी 13% ऊपर आज आ गया। सुप्रीम पेट्रो, जिस कंपनी के आगे पेट्रो लगा है वो कंपनियां तेज होती चली जा रही है। सुप्रीम पेट्रो 13% ऊपर था। एक और स्टॉक था कॉन्फिडेंस पेट्रो जिसमें 10.5% की तेजी बनी। KIOCL 12% ऊपर। कैमलिन फाइन, ल्यूमेक्सटेक 11% के आसपास चढ़े हैं। सीक्वेंट साइंटिफिक, वक्रांगी, क्रिसिल, इन सब स्टॉक्स में तेजी थी। और जैसे मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस पेट्रो तेज था ही, इसके अलावा क्रिसिल जिसमें आज नतीजों के बाद 9.5% की तेजी थी, लॉयड्स इंजीनियरिंग, फोर्स मोटर्स, इन सब स्टॉक्स में आज के सत्र में 9.5% से ज्यादा की चाल बनी है। शिल्पा मेडिकेयर, दिलीप बिल्डकॉन, रेन इंडस्ट्रीज, इन सब स्टॉक्स में तेजी थी 9% की। पॉलिसी बाजार 7.5% चढ़ गया और पेटीएम का स्टॉक लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन में 5-5% के अपर सर्किट। मिड कैप लूजर्स में सुला विनियार्ड्स आज 8% नीचे आ गया। टेक्नो इलेक्ट्रिक 6% नीचे रहा। होम फर्स्ट, येस बैंक 4.5% से 6% नीचे। रेडगेन, मोतीलाल ओसवाल, न्यूजन केमिकल 4% से 4.5% नीचे आ गए। फाइव स्टार, न्यूजन सॉफ्टवेयर और जीनस पावर जैसे स्टॉक्स में भी आज गिरावट देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक तो एक सेक्टर नजर आएगा, वो आएगा फार्मा। फार्मा शेयर्स में अच्छी खरीदारी है और इंडेक्स ही लगातार नए लेवल्स छूता चला जा रहा है। नैटको फार्मा 4.25% ऊपर था। सनोफी 4% चढ़ गया। ग्रैन्यूज 2.5% ऊपर। सिप्ला 2% ऊपर। जाइडस लाइफ, लॉरस लैब्स, डॉक्टर रेड्डीज 1.5% से 2% की चाल दिखा गए। लालपात लैब, सन फार्मा, बायोकॉन सब ऊपर थे। FMCG पिछले हफ्ते नहीं चला था, इस हफ्ते की शुरुआत बहुत दमदार तरीके से की है कंपनियों ने। इमामी 3.5% ऊपर। लिकर सेक्टर से जुड़ी कंपनियां मैकडॉवेल 2.5% चढ़ा है। UBL 2% ऊपर। वरुण बेवरेजेस और ITC 1-1% चढ़ गए। नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, मैरिको, HUL सब तेज थे। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में राजेश एक्सपोर्ट्स इस इंडेक्स का हिस्सा है, इस स्टॉक में 13.25% का उछाल था। डिक्सन 7.5% ऊपर। ओरियंट इलेक्ट्रिक,
ब्लू स्टार, अंबर 2.25% से 3% चढ़े हैं, वोल्टास का स्टॉक 2% ऊपर, क्रॉम्पटन ग्रीव्स 2% चढ़ गया, वी गार्ड 1% ऊपर और टाइटन में 1% की तेजी बनी। प्राइवेट बैंक्स और सरकारी बैंक्स में कहीं खुशी कहीं गम दिखाई दे रहा था, फाइनेंशियल्स में क्लियर कट कोई भी डायरेक्शनल मूव नहीं था, कोई स्टॉक चढ़ रहा था कोई गिर रहा था। जैसे कि प्राइवेट बैंक्स में आज के सत्र में आईसीआईसीआई बैंक, बंधन बैंक में 1.5% से 2% की तेजी आई, लेकिन सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आरबीएल बैंक सब नीचे आ गए। इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक जैसे दिग्गज भी आज परेशान कर रहे थे, यहां पर भी दबाव देखने को मिल रहा था। पीएसयू बैंक्स में इंडियन बैंक, आईओबी जैसे स्टॉक्स और एसबीआई, सेंट्रल बैंक ये सब तेज थे, जिसमें सबसे तेज चला है आज इंडियन बैंक 4.5% ऊपर। लेकिन जो गिरावट वाले स्टॉक्स थे उसमें यूनियन बैंक 2% नीचे, कैनरा बैंक 2% नीचे, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, इन सब स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिला। रियल एस्टेट स्पेस पे प्रेस्टीज स्टॉक पे दबाव था, 3.5% नीचे आ गया, शोभा, डीएलएफ, ब्रिगेड, ओबरॉय रियल्टी, इन सब स्टॉक्स पे गिरावट देखने को मिली। लेकिन जो तेज थे उसमें था महिंद्रा लाइफ स्पेस 3% ऊपर, फीनिक्स लिमिटेड और लोधा 1% से 2.5% चढ़ते हुए नजर आए। आईटी स्टॉक्स में ज्यादातर स्टॉक्स दबाव में थे, जैसे कि परसिस्टेंट, विप्रो, एलटीआईएम, एम्फेसिस, टीसीएस, लेकिन चढ़े भी हैं, जिसमें है कोफोर्ज और एचसीएल टेक। अब आगे क्या होगा, देखिए बाजार ने चौंका दिया है, ये ऑल टाइम हाई लेवल्स को आज के सत्र में छूना और उसके बाद रिकॉर्ड क्लोजिंग लेवल का आना, ये तो फिर बुल मार्केट को ही दर्शा रहा है। डिप में पोजीशंस बहुत तगड़े तरीके से ऐड होती है। आज निफ्टी ने हाई लगाया है 22,186.65, ये रिकॉर्ड हाई लेवल है। आज की जो क्लोजिंग आई है 22,122.25, ये रिकॉर्ड क्लोजिंग लेवल है। लेकिन जो बाकी के इंडाइसेस हैं जैसे कि बैंक निफ्टी, वो अभी उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रहे, बैंक निफ्टी फंसा फंसा सा लग रहा है, इस समय क्लियर कट डायरेक्शन उसमें आ ही नहीं रही है। निफ्टी में लगातार पांचवें ट्रेडिंग सेशन में तेजी है और पिछले चार ट्रेडिंग सेशन से हो क्या रहा है कि हम पिछले दिन के लो को ही नहीं तोड़ने को तैयार हो रहे, नए हाईस को बनाते चले जा रहे हैं, यानी कि क्लियर कट ट्रेंड ऊपर की साइड था। तो जब तक पिछले दिन के लो को वॉयलेट ना करें, उसके नीचे ना जाएं, तो फिर कोई बड़ी मंदी को वैसे ही नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते। तो ये डिप्स वाली बाइंग वाली मार्केट है, डिप्स में पोजीशन ऐड होंगी। हाँ, ये एक थोड़ा कॉशियस रहने वाली बात है कि हम साल 2024 की जो ट्रेडिंग रेंज बनाई हुई थी 1000 पॉइंट्स की, उस रेंज के अपर एंड पे आके कामकाज कर रहे हैं, बस ये एक कॉशियस रहने वाली बात है। लेकिन अभी ट्रेंड तो बुल्स के फेवर में है, डिप आ गई तो खरीदारी होगी, आज के जो लो है उसी के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर भी पोजीशन इनिशिएट करने वाली बात होगी। लेकिन एक डिप का इंतजार जरूर करें, 22,010-22,020 के लेवल के ऊपर रहते हैं तो बुल्स बहुत ही शॉर्ट टर्म में भी पोजीशंस तेजी की साइड पे ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बुल्स की पकड़ मजबूत रहेगी। और लार्ज कैप शेयरों में खरीदारी से सहारा मिल रहा है, हम रोज देख रहे हैं कि कोई नया खिलाड़ी बाजार पे बाजार को सपोर्ट देने की जरूर कोशिश करता है। लेकिन फिर यही बात है कि बाजार में जो तेजी बन रही है कितनी टिकाऊ होगी, क्या यहाँ पर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली आ सकती है कि नहीं, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तक ट्रेंड इंटैक्ट है तब तक कोई भी रिवर्स ट्रेड लेना ये खतरे से खाली नहीं होता है। इस समय तो मंदी करने वाले बुरी तरीके से फंस रखे हैं, परेशान है, क्योंकि बाजार रोज एक नया हाई लेवल क्रिएट करता चला जा रहा है और आज तो खैर ऑल टाइम हाई लेवल ही क्रिएट कर दिया। अब निफ्टी को जो चुनौती मिलेगी, यानी कि जो रेजिस्टेंस मिलेगी, वो 22,300 से 22,350 के जोन पर मिलेगी, यहाँ पर एक अच्छी टक्कर मिल सकती है ऊपरी स्तरों पर रेजिस्टेंस। लेकिन टिल दैट पॉइंट डिप्स में ऐड करने वाली मार्केट होगी और जैसे ही कहा कि 22,010-22,020 के ऊपर अभी बुल ग्रिप में है मार्केट और लोअर लेवल पे पोजीशंस फिर से तेजी की इनिशिएट होती हुई नजर आएंगे। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान है, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है, बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें, बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।